एमसीक्यू टाइप टेस्ट विच उही कैंडीडेट अगे वधदा है जिहड़ा औखे सवालों नूं ज़्यादा सॉल्व कर लैंदा है, पर्टिकुलरली जिहड़े सिलैक्शन टेस्ट है जां कॉम्पीटेटिव एग्जाम हाई लैवल दे हन, नैचुरली उहदे विच जिहड़े औखे सवाल ने उहनां नूं जिहड़ा पास करदा है मैरिट विच आउंदा है। तो औखे सवालों नूं पास करन लई जिहड़ी हाई लैवल ते ट्रेनिंग हुंदी है उहनां विच कुछ नुकते ने, उह नुकतियां नूं मैं नाम दित्ता है मनोविज्ञानिक आधार, जिहड़े कि हैल्प करदे है तुहाडे ब्रेन विच सूचना नूं इनफॉर्मेशन नूं प्रोसैस करन लई। सही तरह ज्ञान इंद्री के ना अख नाल तुसी पढ़ना है, फिर इत्थे प्रोसैस होना है, प्रोसैस होके राइट रिस्पोंस लभना है, वो इनफॉर्मेशन प्रोसैस है, लॉजिक है, फिर राइट रिस्पोंस लगा देना है। वो सवाल नूं समझते हुए जिहड़े नुकतियां दा तुसी ध्यान रखना है वो है, जल्दी जल्दी विच काली काली विच दसांगा टाइम क्योंकि घट है तुहाडे कोल मेरे कोल भी, ते पहला है कि यकीनी तौर पर सवाल दी स्टेम नूं समझना है वधिया तरह नाल। सवाल दी स्टेम कैड़ी हुंदी है, जिहड़ा उहदा एक क्वेश्चन है, इत्थे क्वेश्चन लिखा है, उस नूं समझन जब तक वो समझ नहीं आती तुसी आंसर वाल नहीं वध सकते, इसलिए उन्हें समझना है। समझने लिए की किया जाएगा, रूल नंबर दूजा वो ही अंडर आ रहा है, उसनों समझने लिए मुख्य शब्दों नूं हाईलाइट अंडरलाइन जां चक्कर लगाया जाएगा। सिंपल गल है, एक क्वेश्चन है इतने तुहानू छोटा दीदा होएगा, लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल इनू पढ़न लगा है, यह सवाल नवा रखिया है, इंपॉर्टेंट है तुहाडी उहदे लई प्रैक्टिस लई भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, मैं चक्कर लगाया, यह अगला रूल भी आएगा कि किस नूं चक्कर लगाना है। मैं येलो रंग कर लिया, हुण देखो येलो रंग इसलिए कर रहा कि तुहानू दिखाई दे, ये मैं भी कई बार ये वायलट कर लैंदा हाँ। नॉट नूं चक्कर किया कि मेरे माइंड विच नॉट बनिया रहे, मैं नॉट वाला लभना है। ट्रू अबाउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसैस, दूसरी गल की है कि मेरा माइंड टीचिंग लर्निंग प्रोसैस से फोकस करे। नैक्सट मैं पढ़न लगा हाँ, टीचर शुड आलवेज, हुण मैं सॉल्व करन लगा, मैं समझ आ गई है कि अच्छा टीचिंग लर्निंग प्रोसैस की है, वो किस तरह जड़ा है नैगेटिव वाला लभना है जड़ा नॉट गुड है टीचिंग लर्निंग लिए। तो मेरे माइंड ने टैग वर्ड वाली वीडियो याद कीतियां जिहड़े नुक्ते सी उहदे विच एक्सट्रीम नूं जड़ा है उत्ते शक करनी है, टीचर शुड आलवेज किसी भी टीचिंग प्रैक्टिस विच जां किसी भी जिंदगी दे नुक्ते विच आलवेज जे एबसोल्यूट टर्म आती है उस नूं उत्ते शक करना है, उस नूं नैगेटिव समझना है। माइंड विच इत्थे मैं चक्कर सच्ची लगाया है जां अंडरलाइन कर लिया है, इत्थे लिख लिया कि नैगेटिव वर्ड है सिर्फ तुहानूं दस्सण लई। यूज द सेम इंस्ट्रक्शनल, दूसरा सेम स्टैंडर्डाइज कदे नहीं होनियां चाहीदियां, अप्रोच फॉर एवरी स्टूडेंट, टीचर शुड आलवेज यूज द सेम इंस्ट्रक्शनल अप्रोच फॉर एवरी स्टूडेंट, नहीं ये बिल्कुल गलत है, नॉट है मेरे हिसाब नाल यही आंसर होएगा। बी, लर्नर कैन नैवर अकर्ड विदाउट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी, लर्निंग कैन नैवर अबाउट सॉरी लर्नर लर्निंग कैन नैवर अकर विदाउट इफेक्टिव टीचिंग, हाँ बिल्कुल इफेक्टिव टीचिंग चाहिदी है, उस तो बिना लर्निंग नहीं हो सकती, ये गल ठीक है, इसनों वो नॉट है इसलिए नहीं मनिया जाएगा। ऑल स्टूडेंट लर्न एट द सेम पेस, अब सेम पेस से मैं शक होया तो मैं क्या कि नहीं सेम पेस से मैं किसी होर तरह लर्न करता हाँ। देखो मैंटल एबिलिटी का सवाल है, मैं कितनी हौली हौली दूसरे तुहाडे तुसी चैनल देखो कितने अच्छे तरीके ना तेजी तेजी, वो मास्टर नहीं, मैं मास्टर नहीं हाँ, मैं बहुत हौली हौली करा रहा, मैंने हौली हौली समझ आती है, मेरे च डिफरेंस है, मैं उन्होंने तो नीवा किन्ना हाँ, सो ए सेम पेस से नहीं मैं सीख रहा, इस तो मैं कंकलूजन लाया। सो ए वी अच्छी टीचिंग ली है, आ सिर्फ गलत नज़र आ रहा है कि आलवेज सेम इंस्ट्रक्शनल नहीं, डिफरेंस होनी चाहिए हैं, राइट आंसर इस नूं लगा रहा हाँ, इस तरह चूज करना है। सो देखो अंडरलाइनिंग का नुकता यह समझाना सी, ए नुकता पेन भी वरत सकते हाँ, उत्थे तुहाडे को ऑफलाइन पेपर है, तुसी पेन वरत सकते हो, तुसी सर्कल लगा सकते हो, तुसी नहीं तो फिंगर रख सकते हो, जो फिंगर रखते हैं माइंड फोकस करता है कॉन्सेंट्रेट करता है, वो बारे सोचने लगता है। अगली स्ट्रैटेजी करते हैं जल्दी नाल, नेक्स्ट है ये चक्कर लगा लिया ये समझने लिए किया, ओके। दूसरा है कि जिहड़ा रूल टू हुण ही कर लिया है कि नैगेटिव वर्ड देखने हैं जिदा नॉट एक्सैप्ट, उसनों भी सर्कल लगाना है, उसकी एग्जाम्पल पिछे हो गई है, तो फिर असी सोचते हाँ कि नैगेटिव है कि पॉजिटिव है जिहड़ा लभना है, इसे नैगेटिव पॉजिटिव असं कन्फ्यूज हो जाने, अच्छे पेपर में नॉट कैपिटल किया ही होंगे है जिदा इतने किया है। रूल नंबर थ्री, थिंक अबाउट अ करैक्ट आंसर बिफोर रीडिंग द, इस बेशक ना लागू करो, कई बार असं स्टेम जो पढ़ते हाँ
ਇਹ ਅੱਛੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਟਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਲਪ ਦੇਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਇਕੁਇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਵੱਲ ਮੈਂ ਵਧਾਂਗਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੀਡ ਈਵਨ ਆਲ ਆਪਸ਼ਨ ਈਵਨ ਈਜ਼ੀਐਸਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ ਆ ਨਾ, ਮੋਸਟ ਟੌਪ ਰਿਪੀਟਡ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ UGC 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ। ਰੀਡਿੰਗ ਬੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਚਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਰਨਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ 'ਚ ਹੈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਯੈਸ, ਆਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੈਮ ਲਈ ਵਾਕ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥਿੰਕ ਅਲਾਊਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੈਮ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਥਿੰਕ ਅਲਾਊਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਅਲਾਊਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਂਟਲਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਥਿੰਕ ਅਲਾਊਡ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸਪਰਿੰਗ, ਦੂਜੇ ਜਾਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਲਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਲਾ ਲਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 6, ਵੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਅੱਛਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ। 7, ਆਨਸਰ ਆਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੋ ਨੈਗਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਗਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ 60 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 5 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 20 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਟ ਆਫ ਲੋਜੀਕਲ ਗੈਸ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਗੈਸ, ਰੈਂਡਮ ਗੈਸ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੀਜਨਿੰਗ ਬੇਸਡ ਗੈਸ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੌਂਗ ਟੇਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਟੇਲ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 10% ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ 'ਤੇ, ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਆਨਸਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ 'ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੰਬਰ, ਉੱਥੇ ਮਿਡਲ ਟਰਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5 ਸੈਕਿੰਡ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਨੂੰ ਟਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਡਿਜੀਟਲ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁੱਕੇ ਦੱਸੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਆਫ ਗੈਸਿੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰੈਫਰ ਦ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਓਨਲੀ ਸੂਟੇਬਲ ਟੂ ਯੂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਜਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ 1-2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਟਰਫਲਾਈ ਪੈੱਨ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ 3 ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, 3 ਟੌਪ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਅਪਣਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹੀ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਨੇ ਉਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੈ।
नेवर डायरेक्टली प्रैक्टिस जरूर करनी है जे दिन घट है तो विजुअलाइज करना है फॉर एग्जाम्पल विजुअलाइजेशन नवी साइकोलॉजिकल टेक्निक 5 मिनट लिए सोचो मैं पेपर सेंटर च गया हाँ मैं पिछली बार आ गलती की सी मैं पिछली बार पेपर दे है ना तुसी सोच रहे हैं जिहड़ा है OMR शीट भरनी है आ गल्लां दा ख्याल रखिया पेन ना वरतना है टाइम बार बार देखना है जिहड़ियां भी गल्लां तुसी याद कराना चाहते हो अखां बंद करके वो विजुअलाइज़ करो मैं शुरू च ही सॉरी एंड वाले क्वेश्चन ते पहुंचना है बहुत ज़्यादा टाइम तो पहला राउंड वन ते दूसरे राउंड ते जे यही स्ट्रैटेजी ली है दूसरे राउंड ते मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करन दी कोशिश करनी है जो तो 5 मिनट 3 मिनट 2 मिंट अपना टाइम देखना है उदों मैं ये तुसी विजुअलाइज़ कर रहे हैं उदों मैं गैसवर्क लगा देने हैं सारे डॉट फिल कर देने हैं सो इस तरह किए जा सकते हैं नंबर दसते हैं यूनिट वाइज साइड बाय साइड तुसी OMR शीट किस तरह करनी है के जिमें है एक क्वेश्चन किया OMR शीट पर भर दिता फॉर एग्जाम्पल ये मेरे को क्वेश्चन बुकलेट है मैं इतने किया नाल इतने डॉट लगाता इतने किया डॉट लगाता दूसरा तरीका की है दूसरा तरीका है कि आफ्टर द एंड वह की होएगा मान लो सारे क्वेश्चन पेपर से मैं इतने टिक लगा ले आ ठीक है आ ठीक है आ ठीक है आ ठीक है ना मैं जिन्ना भी सी टाइम 150 मिनट से 150 मिनट 40 या 145 तक सारे टिक लगा ले जो लगाने से है ना जब 10 मिनट जब इतने टिक लगाने हूँ टाइम बचा लिया फिर मैं इनू छड़ के सारे टिक लगा रहा हूँ एक करके ए एंड है दो दूजी टेक्निक एक खतरनाक है एक घट अपनानी है बेस्ट टेक्निक जिहड़ी कही जाती है वह है यूनिट वाइज एंड की है कि 30 का यूनिट मान लो तुहाडे है सैक्शन है तुसी पहले 30 इत्थे कीते क्वेश्चन ते कीते उन्होंने अटेंड किया 30 करके जे डिफिकल्ट मार्क कर ले फिर तुसी इस नूं ओ करदे हो मार्क कर लेंदे हो फिर अगले 30 करदे हो ओ मार्क कर लेंदे हो अगले 30 करदे हो इत्थे ओ मार्क कर लेंदे हो अगले 30 करदे हो ओ मार्क कर लेंदे हो लास्ट ते 10 मिनट बचे है जो खाली है उस च जां डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करके गैसवर्क लगांदे हो ए मैथड बेस्ट समझा जाता है इस दी जगह तुसी टाइम डिवाइड भी कर सकते हो कि हर 30 मिनट बाद मैं अपने डॉट भरने शुरू कर देने हैं इस तरह भी सोच सकते हो रूल नंबर 11 कंटेक्सट डिपेंडेंट मैमरी ये जरूरत नहीं पेगी एंट्रेंस टेस्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन होदो जरूरत पैंती है किसी वेले कोई इनफॉर्मेशन तुसी लिखी सी पढ़ी सी वो याद नहीं आती वह कलर याद करो जिथे बैठ के तुसी वो पढ़िया सी उस जगह नू याद करो जिस शख्स ना गल हुई सी जिस यूट्यूब चैनल ना गल तो देखा से उन्होंने माड़ा याद करो वो कंटेक्सट डिपेंडेंट मैमरी उन्होंने रिकॉल कर लेंदी है उस क्वेश्चन उदों छड़ दिओ अगले 10-5 मिनटा तक वो इनफॉर्मेशन तुहाडे माइंड च बाहर आ जानी है ट्राई एंड लीव डिफिकल्ट आइटम फोर्स द सबकॉन्शियस माइंड एंड जो कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है उस पर जोर लाओ जिदा मेंटल एबिलिटी का है कोई वर्ड का अर्थ लभना है यही ज़्यादा तुम्हें डिफिकल्ट लगते ने आते हैं ये तो छड़ दो उस तो बाद की होंगे तो सबकॉन्शियस माइंड वह उत्तर लभदा रहा है तुम अगले क्वेश्चन करते हो तो दूजा माइंड उत्ते कम कर रहा है तो अगे जाके जा हिंट भी मिल जाता है जा सबकॉन्शियस माइंड चो राइट इनफॉर्मेशन बाहर आ जाती है तो तुम वो आंसर फिर दोबारा ला देंगे हो नुकता की है कि लगातार एक क्वेश्चन नू ज़्यादा टाइम नहीं देना इनों चंगा है उत्ते जोर लगा के उन्हें छड़ दिओ तो दूजा माइंड कम कर लग पैंदा है ये नुकता है इहदा नैक्सट है कि आई फटीक पाम ये चंगी तरह समझ लो अखां दी थकावट जे हुंदी है तुसी केड़ा नुकता साइकोलॉजिकल है पामिंग करो रह जे 20 सैकेंड लई कोई क्वेश्चन पढ़िया है उहदे बारे सोच रहे हो हुण तुहाडा टाइम नहीं वेस्ट गया अखां दी पामिंग कर ली हाँ थोड़ा जिहा प्रैस किया 20-30 सैकेंड प्रैस कर लिया अखां दी थकावट दूर हुंदी है और इनफॉर्मेशन प्रोसैसिंग तेज़ हुंदी है सचमुच फर्क पैंदा है आर्म शोल्डर हैंड फिंगर जे किसी दे फटीक हुंदी है ना तुसी कोई एक्सरसाइज कर सकते हो इस नूं खोलना इस हौली हौली इस नूं बंद करना और हौली हौली इस तरह घुमाना ये पॉसीबल है बहुत वधिया हो सकती है स्ट्रैचिंग कर सकते हो जो पॉसीबल है सोशली डर लगता है ना करो शर्म आती है ना करो मैनू नहीं आती क्योंकि मेरे लिए मेरी हेल्थ जरूरी है अदरवाइज मैं कम नहीं कर सकता ये फिलोसफी लैके चलनी है ना तुसी कोई जे शर्म आती है नहीं करनी वैसे एक्सरसाइज ये थोड़ी कर लेनी चाहिए है घरों करके जा सकते हो है ना इस तरह कर सकते हो नीचे बैठे हाँ इस तरह कर सकते हो थोड़ा वायु नूं दबा सकते हो हाथ नूं दबा सकते हो ठीक इस तरह दी एक्सरसाइज हो सकती हैं उत्थे उत्थे बैठे बैठे स्लो डीप ब्रीदिंग हो सकती है जे चिंता हो रही है किसी क्वेश्चन या कुछ हो गया है स्टॉप ठीक स्लो डीप ब्रीदिंग की जा सकती है एक्यूट प्रैशर
क्योंकि मैं भी इहदा बहुत ज़्यादा तजर्बा है, मैं एक्यूट प्रैशरिस्ट भी हाँ। मतलब कुछ पॉइंट होंगे है तुसी दब सकते हो, तुहाडे हत्थां दे पॉइंट है नहीं है वैरी सो बहुत ए वाला पॉइंट जिहड़े बैक पे है ना, इस नूं इदां अंगूठे नाल प्रेस कर लो, तुहाडी स्ट्रेस टेंशन पेन रिलीफ मिलेगी। इस नूं इस तरह अंगूठे नाल गर्दन दे बैक ते, इत्थे भी पॉइंट है, इस तरह मैं पगड़ी बन्नी हुई है पूरी तरह नहीं दस सकदा, हाँ अक्खां ते है, इस नूं इस तरह प्रेस करो, इस तरह प्रेस करो, ओके अपने मूंह नूं इस तरह प्रेस कर सकते हैं, बहाने ना कर लो, आले दुआले कोई है ना बहाने ना कर लो, देखो तुहानूं रिलीफ मिलदी, इस नूं कर लो मतलब इस नूं इत्थों 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 अखां बंद करके इस तरह उपामिंग वांग ही है। सो इस तरह दियां जिहड़ियां अपनियां टेक्नीक है, सोशली शर्म आती है ते तुसीं जिहड़ी अपना सकते हो जरूर अपनाओ, कम कर दियां हन, पैरां दे पॉइंट है दबे जा सकते हैं, चलो बहुत ज़्यादा हो गया। सो ये टेक्नीक्स है, इन्हां नूं अप्लाई करो, औखे घड़ी विच औखे क्वेश्चन दे सॉल्व करन विच ये हेल्प करनगियां। थैंक यू।